चलो 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 मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जावेद साहब का एक बहुत ही पुराना एक युवा दोस्त रहा हूँ, साथ में संघर्ष किया है, साथ में मुंबई में आए, साथ में हमने काम किया, तो उनकी गहराइयों को, उनके ह्यूमर को, उनकी बातों को, उनकी तर्क विद्या को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और इसलिए आज की गुफ्तगू जो थी गुलजार साहब में और उनमें वो इतना मज़ा आया मुझे क्योंकि मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी गहराइयों को, उनके तंज को, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को, वो दोनों में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और मैं श्योर हूँ कि ये जो किताब है उनकी जादूनुमा एक बहुत ही इंटरटेनिंग बुक होगी और इनलाइटिंग बुक होगी। हर एक राइटर को, हर न्यू जनरेशन को कहूँगा ये किताब जरूर पढ़िए। धन्यवाद। दोनों लेजेंड को साथ में देखिए। धन्यवाद। अभी तो वह पीछे पड़ जाओगे। अबाउट जावेद साहब के साथ ये जो आज शाम को उनकी गुफ्तगू सुनने को मिली गुलजार साहब की और जावेद साहब की, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ अ रेयर एक्सपीरियंस। वी आर सो थ्रिल्ड, आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज एबल टू कम एंड आई हैव गॉट द बुक नाउ, तो पढ़ेंगे और बहुत ही यादगार आज की शाम रहेगी। इतनी अच्छी इवनिंग है, इसमें रिएक्शन क्या देना है? आप लोग भी बड़े वो हैं और भाग्यशाली जो आपने इतनी अच्छी बातें सुनी, ऐसी इवनिंग लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी, ब्लेस्ड इज अ करेक्ट। मैं वहाँ हाँ
हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं है. अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है, ओके बाय 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 बाय. सो लेट एवरीबॉडी कम टुगेदर. आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ. तू अभी सबन माइक में थोड़ा डिस्टेंस रखिए. हां माइक सेंटर पे सबन जी. आज की बहुत खूबसूरत शाम थी गुलजार साहब, जावेद साहब. ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों साथ साथ आए. बहुत अच्छा मौका था जावेद साहब की किताब की लॉन्च का. आपने भी उस शाम की खूबसूरती को बढ़ा दिया, एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया. क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमको पता चला कि जादूनामा जो किताब अरविंद मंडलोई ने बनाई है, जिसको रक्षंदा जलील ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, तो जब मैंने किताब देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छी किताब है. लेकिन जब इसका लॉन्च होने जा रहा था तो जब गुलजार साहब ने अग्री किया, जो कि आम तौर पे इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तो जाहिर है कि एक उम्मीद जागी थी कि ये शायद ख़ास शाम होगी. लेकिन इतनी ख़ास शाम होगी मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब और गुलजार साहब को भी पता था, क्योंकि अभिजात जोशी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा था कि विंबलडन फाइनल्स में है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है बॉल. इट वाज़ जस्ट वंडरफुल. और मुझे लगता है कि किसी किताब का इस तरह लॉन्च होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में हमको इस बात को जानना चाहिए कि लोगों में अभी भी किताब पढ़ने की क्षमता है और ख्वाहिश है. और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के और फंक्शंस हो सके तो शायद वो बढ़ सके, और इससे मेरी उम्मीद जागती है. क्योंकि आज के माहौल में ऐसा लगता है कि सब अपने प्राइवेट स्क्रीन्स पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं और किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिए. तो अगर ऐसी शाम होती जिसके सब लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद तो जागेगी ही. थैंक यू. The budget is going to come soon. Anything that you would like to say? Because Gulzar saab appreciated Javed saab for raising the issue of copyright. So what would you like to say? What should be done for the entertainment industry in the coming budget? See, I would talk about copyright, because what has been happened, the law that has been passed has really changed the lives of many, many writers and lyricists to an extent that you cannot even imagine. But there are still some things that they still want, and I hope that the government will take notice about it. And then, because what they've done to improve the lot of writers can become even more important, and I hope that will come in the budget. Thank you. इसी के साथ मैं इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, जब फ़ोन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, आप पर्सनली बुक को कितना एंजॉय करते हो, बुक को कितना रीड करते हो? मैं क्योंकि एक ऐसे ख़ानदान से आई हूँ जहाँ मेरे अब्बा कैफ़ी आज़मी राइटर हैं, जहाँ मेरे शोहर जावेद अख्तर, जहाँ मेरे फादर इन लॉ जानेसर अख्तर, सबके सब अब सराउंडेड बाय राइटर्स. तो जाहिर है जो लफ्ज़ है उसके बहुत ज़्यादा मायने मेरे पास रहते हैं. और मुझे आजकल इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस तरह से भाषा बिल्कुल बदल चुकी है, और जिस तरह से ज़बान बदल चुकी है, और उसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी बदल चुकी है. बिकॉज ऐसा लगता है कि किसी पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पूरा लफ्ज़ सुनें, उसको भी आप ब्रेकअप करके और उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं. मतलब जैसे कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा नेव्यू कह रहा था के, मैंने कहा के का मतलब 14 साल का है, कहता ओके. तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम ओके लिख सकते हो? तो कहता इट्स नॉट कूल. ये जो आइडिया है कि इट्स नॉट कूल, ये सिर्फ एक सेक्शन को है. लेकिन फिर आप मुझे ये बताइए कि जब रेख्ता का इस तरह फेस्टिवल होता है तो 3 लाख लोग उसमें कैसे इकट्ठे होते हैं, और सब के सब ज़्यादातर 60% जो हैं वो नौजवान लोग हैं. तो कहीं ये डिसकनेक्ट है. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज जो अल्फाज से और जो किताब से पराए हट जाता है वो एक कमज़ोर समाज होता है. तो आई डू होप दैट पीपल स्टार्ट रीडिंग ऑल ओवर अगेन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू गाइस. Thank you.
एक विश कर दीजिए जादू नामा सर, बहुत ही गजब का ह्यूमर हमें देखने को मिला। एंड आज शाम को जो किसी ने बड़े किसी इंटरव्यूअर ने किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज की शाम का क्या बयान किया जाए, तो कहने लगे जैसे विंबलडन चल रहा है ना, दो महारथी जो है वो आपके सामने बैठे हुए हैं और जादूनामा को लॉन्च करने के लिए गुलजार साहब का यहाँ पर पधारना और उन दोनों का कॉन्वर्सेशन जो था वो ऐसा लगता है कि आज आपने कोई एक किताब पढ़ी असल में ना कोई एक मतलब एक संग्रह पढ़ा है, उनकी आपस की बातचीत, जिंदगी की बातचीत, पोइट्री के बारे में बातचीत और जो 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 उनके सफ़र की बातचीत, उनकी दोस्ती की बातचीत, तो ये जो शाम जो है आज बहुत ज़बरदस्त रही है। हम जावेद साहब से जुड़े रहे हैं समझे ना, और जावेद साहब हमारी ज़िंदगी के बड़े अहम हिस्सा हैं। तो जादूनामा जो ये किताब है ये वाकई में एक तरह का कोलाज है उनकी ज़िंदगी, उनके दोस्तों के कमेंट्स, उनके उनकी ज़िंदगी की कुछ परछाइयाँ, और आज की शाम जो है वो बहुत ही बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त रही। मैं अरविंद मंडलोई जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत बहुत ही सहज और बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है जिन्होंने किताब लिखी है ये। सो आज शाम के लिए सबको मुबारकबाद, और ये किताब बहुत मशहूर होगी इसका तो खैर कोई अंदाज़ा नहीं हो, बहुत बहुत पूरी किताब जो ऐसा लगता है कि कोई ग्रंथ हाथ में पकड़ा है, एक आदमी की ज़िंदगी की पूरी जो जो कहते हैं ना समावेश है, वो ज़िंदगी का समावेश है, वो चित्रों के थ्रू, वो लोगों की बातों के थ्रू और वो जावेद साहब की जीवनी के थ्रू। सर छतरी वाली का सर ट्रेलर आया, बहुत ही अच्छा मैसेज है, ट्रेलर से ही पता चल रहा है फिल्म का, बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल मिलने वाला है, कुछ कहना चाहेंगे ये जो मैसेज मिला है? बहुत एक सोशल मैसेज के ऊपर पिक्चर है जो बड़े ह्यूमरस तरीके से बोली गई है, और मेरे को लगता है कि RSVP रोनी स्क्रूवाला ने और ये जो एक्ट्रेस हैं रकुलप्रीत सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत सुलझा हुआ काम किया। मैं उस पिक्चर का हिस्सा हूँ और मुझे लगता है कि ये समाज के संदेश को देना जो कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारे आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, और जो सेक्स एजुकेशन है वो एक हिस्सा बनना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सकें और शायद नादानी में कुछ गलती ना करें, मतलब है ना। तो और जो फिल्म का जो पूरा ढांचा है, जो रखरखाव है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत परिवेश जो है उसका, बहुत ही एक छोटे शहर की एक कहानी और लड़की की एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी कहानी है असल में, कि वो कैसे एक ऐसे काम को बीड़ा बना लेती है और ऐसे काम को उठा लेती है, शायद समाज उसके लिए रेडी नहीं है वो कि वो ये काम करे। तो बहुत अच्छी फिल्म है और अच्छे कलाकार हैं फिल्म के अंदर, और रकुल प्रीत के आसपास पिक्चर है, सुमित व्यास ने बड़ा अच्छा काम किया है, डॉली हॉलीवाली ने बड़ा अच्छा काम किया, डायरेक्टर जो है तेजस जो है वो बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, तो आप सब एंजॉय करेंगे इस फिल्म को, देखिएगा बहुत जल्द अब Zee5 पे आने वाली। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बोलिए क्या जी सर, आज एक ऐसी शाम थी जो काफ़ी यादगार रहने वाली है लोगों के लिए, आज की शाम के बारे में पहले बता दीजिए काफ़ी। भाई ये देखिए, मैं तो ऐसे ही तमाशाई हूँ असल में, ये किताब जो है जिसका नाम है जादूनामा, ये एक अरविंद मंडलोई साहब हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है, उन्होंने 4-5 साल इस किताब पे काम किया है, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल कॉलेज के लोग, मेरी सारी फैमिली, दूर के रिलेटिव, मेरे कलीग जिनके साथ मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, उन सब के इंटरव्यूज़ हैं, मेरा भी इसमें इंटरव्यू है, पुरानी ना जाने कहाँ कहाँ से उन्होंने तस्वीरें जमा की हैं वो इसमें है, ये बड़ी कमाल की किताब उन्होंने बनाई, मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और मैं आभारी हूँ गुलजार साहब का भी, जो आते जाते हैं नहीं, वो बड़े शर्मीले आदमी हैं, घर में ही रहते हैं, तो वो आए, उन्होंने अपने हाथ से किताब यहाँ रिलीज़ की और कुछ बड़ी अच्छी बातें भी की उन्होंने जो आप लोगों ने रिकॉर्ड किए होंगे, तो मैं तमाम लोग जो मेरे दोस्त यहाँ आए थे और कलीग्स आए थे उनका, जो मेरे जूनियर्स और सीनियर्स दोनों, और वो लोग जो मंच पर बैठे थे, सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये किताब अच्छी लगेगी। सर गुलजार सर और आखिरी जुगलबंदी इतनी काबिल तारीफ है जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है, आप दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे को बिहाइंड द कैमरा कैसी रहती है उसके बारे में कुछ बताइए? अरे वो आप बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊँ, हम लोग तो बातें कर रहे थे, आपको कैसी लगी है बताइए, मैं ही बताऊँ मुझे कैसे। रिएक्शन
आज की शाम अद्भुत थी, लफ्ज़ों का शायरी का मेला था, दो बहुत बड़े शायर राइटर डायरेक्टर्स उनके साथ बैठने का जो मौका मिला, उनको सुनने का जो मौका मिला, उनका ये उत्सव था। इसको लफ्ज़ों में कैसे बयान करें, उनके लफ्ज़ तो सुन के आए हैं, उसके सामने तो हम गूंगे हैं। इतनी अच्छी जबान, इतनी अच्छी याददाश्त, इतने अच्छे अनुभव, आपस की दोस्ती, ये बहुत कुछ सिखाती है। तो ये एक वर्कशॉप थी, ये मास्टर क्लास थी शब्दों की, जो हमने बैठ के अटेंड करी और बहुत कुछ लेके जाना, एक बहुत अच्छा तजुर्बा। हाँ क्या इंटरनेट का जमाना? अरे वो तो मुझे आता ही नहीं है। किताब जो काफ़ी एक्साइटेड है इसके लिए, इसके बारे में कुछ बताइए कैसे हुआ। देखिए, ये जावेद अख्तर साहब की ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं उसकी एक तस्वीर है, जिसमें कई सारे रंग हैं। उनकी शायरी है, उनकी पोइट्री है, उनकी कही हुई बातें हैं, उनके किए हुए काम हैं, उनकी फिल्मों का जिक्र है, उनके गीतकार के रूप में काम है, और वो कैसे इंसान है ये किताब बताती है। और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस किताब को देखने के लिए? इससे ये किताब ज़रूर पढ़ें, जब ये किताब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में कितने अच्छे अच्छे और सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं। क्या क्या आपको खोजना पड़ा इस किताब? अरे ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत कुछ सोचना पड़ा, बहुत कुछ ढूंढना पड़ा, मगर ये मेरी खुशनसीबी है कि जावेद साहब की सरपरस्ती थी और चीज़ें आसान होती चली गई और अब ये किताब की शक्ल में आपके सामने है। गुलजार साहब और उनकी जुगलबंदी जो हुई, हाँ वो बहुत बहुत लाजवाब थी। ऐसे पल कम आते हैं, हम खुशनसीब हैं कि हमने एक साथ इन पलों को जिया। शुक्रिया, धन्यवाद। यार ये किताब तो रखने की जगह रखिए। अरे भाई हो गया ना, भाई थोड़ा ऊपर करो। इसके लिए संतोष करके हमने लाख रुपए बेची तो भैया प्रोड्यूसर बहुत बहुत सर मुबारक सर। आज भाई आप भी आइए एनडीटीवी जादूनामा के इस मौके पर। आज सर आप यहाँ से पूछेंगे तो बाकी जो उधर आ जाइए, उधर आ जाइए, नए नए काम पे आइए। क्या देखिए, जिंदगी में सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही जरूरी है, या कार में शॉक ऑब्जर्वर। ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अच्छे समय के लिए नहीं जरूरी, बुरे समय के लिए जरूरी। जब कार सीमेंटेड रोड पे चल रही है तो अब शॉक ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ बम्प्स हैं, वहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस शॉक को। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बड़े गड्ढे और बम्प्स आते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी स्मूथली आगे चल सके उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो स्प्रिंग है जो आहिस्ता से ज़िंदगी को संभाल लेती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई थिंक
गवर्नमेंट शुड गिव electricity to the cinema houses on industrial rates. The government should provide some incentive that people should be able to make more and more theaters. In USA, where the population is not even one third of India, it is perhaps one fourth or one fifth, there are almost 100,000 theaters. We have some 14 or 15,000 theaters at the most. So we need great theaters. Our domestic market is to a great extent untapped. So if these theaters are made and with conducive rates, they get the land, they get loans, they get encouragement from the respective government, whether center or the state, I think Indian film industry within the domestic market can become 10 times bigger. So lastly, anything that you would like to talk about the censorship issue? No, no, there is a board for certification, center board for film certification that is there. The certification that is given, the certificate that is given is by the agency, the Department of Central Government. And I think we should give due respect to that certificate. If everybody will become censor board in himself or herself, then what is the use of this certificate that has been given to us by the central government? आप यहाँ खड़े होते तो मेरा तो काम दिखाई देगा ना भैया? आप कब से इस काम में? नहीं नहीं, हाँ? हाल ही में सर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी मुंबई आए हुए थे, वहाँ जो सबसे बड़ी बात हुई कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हर आदमी जो है ड्रग्स नहीं लेता, हर एक्टर ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही बदनाम किया गया है। इस पर आप सर कैसे देखते हैं? भाई साहब वहाँ मौजूद थे। अरे भाई देखिए, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया जानती है उन्हें कुछ बदनाम भी किया जाता है। जो अननोन आदमी गुमनाम आदमी उसे थोड़ी आप बदनाम कर पाएंगे जिसका नाम ही ना हो। जब नाम होगा तो बदनाम भी होंगे आप। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है अगर हमारे मुख्यमंत्री जो हैं यूपी के, वो चाहते हैं कि वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री की नींव पड़े, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जगह है और वहाँ हिंदी भाषी उर्दू भाषी रहते हैं जिन ज़बानों में ये फिल्में बनती हैं। तो वहाँ पर अगर भी फिल्म इंडस्ट्री, ये नहीं कि यहाँ से हट जाएगी, यहाँ भी रहेगी, वहाँ भी, जैसे न्यूयॉर्क में भी फिल्म इंडस्ट्री बनती है और कैलिफोर्निया में भी फिल्में बनती हैं, उसी तरह अगर वहाँ भी बनने लगेंगी फिल्में नॉर्थ इंडिया में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा। आई थिंक इट्स नॉट फॉर यू एंड मी टू डिसाइड वेदर दिस सॉन्ग इज राइट और रॉन्ग। वी हैव अ एजेंसी, वी हैव अ डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड देयर पीपल, नॉट ओनली द गवर्नमेंट पीपल बट द पीपल फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉच द फिल्म एंड डिसाइड वॉट विल बी पास एंड वॉट विल नॉट बी पास, वॉट इज एक्सेप्टेबल एंड वॉट इज नॉट। आई थिंक वी शुड हैव अ ट्रस्ट इन दैट सर्टिफिकेशन एंड वेट फॉर वॉट दे कट्स दे सजेस्ट एंड वॉट दे पास। वॉट इज द डिस्कशन एट दिस स्टेज व्हेन देयर इज नो सर्टिफिकेशन सो फार। आपका फेवरेट रंग क्या है सर? मुझे सातों रंग बड़े पसंद है। वो तो बड़ा अजीब आदमी हो जो कहे जी मुझे इनमें से एक रंग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सातों रंग डिपेंड करता है कहाँ यूज हो रहे हैं। सर जी, युवा हमेशा आपसे प्रेरणा लेते आए हैं, युवा हमेशा आपसे इंस्पायर हुए हैं जी, ऐसा कभी आपको हुआ है कि कोई युवा ने आपको मुकाबला दे दिया हो या आपको लगा ये हमारे जमाने को हमारे लफ्जों को इन्होंने? बिल्कुल देखे दे ही रहे हैं। जो आजकल युवा जो पिक्चरें लिख रहे हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, वो कितनी अच्छी लिख रहे हैं। मुझे मुकाबला कर देना, मुझसे तो कहीं आगे निकल गए। इन टर्म्स ऑफ पोएटिक एंड राइटिंग जैसे हैं। अरे करेक्ट सिग्नेचर आप कहाँ तो मैंने कहा वो आती थी आपने ये इसलिए थी कि आप उससे आपको मैं अच्छी तरह अकेले बता हाँ करूँगा मैं यहाँ नहीं कैमरा के ये बहुत बदमाश है। हाँ सर किसी का नाम लेना चाहूँ मैं, कोई आप इंस्पायर हो या मुकाबले? अरे भाई इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर आ रही है आप देखिए। मैं तो सोचता हूँ मैं तो इतना अच्छा नहीं लिख सकता जितना लिख रहे हैं या आजकल के यंग राइटर। आप कह रहे हैं मुकाबला कर कुछ मुझसे आगे हैं? नहीं, पर आपके ज़माने के लफ्ज़ों को पकड़ पाना
नहीं नहीं वो क्यों पकड़े उन लफ्जों को, उनके अपने लफ्ज है, अपना अंदाज है लिखने का। आपके आपके जमाने के लफ्जों का एक अलग अंदाज था, एक अलग वो अलग था, ये अलग है। अब देखिए आपने देखिए ये देखिए अपना जो नई फिल्में आई हैं कई सी, वो मैंने जो देखी तो मुझे तो कमाल की लगती है, क्या अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, जो अच्छी राइटिंग है, अच्छी फिल्में तो बहुत अच्छा है, आपसे बहुत आगे। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा हूँ, मैं तो वो देख के सोचता हूँ और सीखता हूँ कि मैं ऐसा लिख सकूँगा कि नहीं। जैसे OTT है कई, क्या लिखा है लोगों ने, कितना अच्छा लिखा है। लॉकडाउन के बाद जी कुछ पूछ रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कहा है, तो मैंने यही कहा कि उनको चाहिए कि सेंटर से बात करें और एक मध्य प्रदेश के लिए अलग सेंसर बोर्ड बनवा कि जब आप पिक्चर जाए मध्य प्रदेश अलग से देखिए। उनके कहने का मतलब तो यही ना, जो सेंटर के सर्टिफिकेशन से खुश नहीं है तो उसमें हम नहीं आते बीच में, ये उनके और सेंटर के बीच में है। अभी जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात का ऐलान किया है कि एक धर्म सेंसर बोर्ड अलग होना चाहिए जो सारे कंटेंट को, बिल्कुल जरूर क्यों नहीं होना, नहीं नहीं वो कह रहे हैं तो मैं उसका आदर करूँगा, मैं उनकी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट थोड़ी करूँगा, होना चाहिए ये भी बनवा लीजिए, एक मध्य प्रदेश में होगा क्या भी हो जाए और एक सेंटर का तो आई है, क्या हर क्या तकलीफ क्या है। चाहे फिल्म हो, टीवी हो, OTT हो, सारा कंटेंट पहले हम देखेंगे और मजहब का जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है उसे किसी नहीं नहीं, वहाँ फिर बाकी धर्मों का भी करवा देंगे अलग अलग सेंसर, सारे धर्म हमारे यहाँ तो काफ़ी 4-5 इम्पोर्टेंट धर्म है, सबका अपना सेंसर करवाओ और वो सब देखें। इसी माने चलो कुछ मौलवी लोग फिल्में देखना शुरू कर देंगे वो मुझे सुख करता है, कीजिए कीजिए। इसका इलाज हल क्या देखते हैं सर, जिस तरह इसका सिर्फ ये है कि हमारी जो सरकार है जिसके पास राइट है सेंटर है कि हम जो सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट की हम इज्जत रखेंगे और हम अब कर लिए एक ही बात है आप कर लीजिए, और वो अपने जो सर्टिफिकेशन है उसकी सुरक्षा करें। थैंक यू मैं तो मान रहा हूँ।